फाइनली मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ Redmi Note 9 के बारे में, जो कि Redmi की तरफ से लेटेस्ट और अपकमिंग डिवाइस होने वाला है। मिड रेंज के प्राइसिंग में Redmi Note 9 बहुत ही बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है और स्पेक्स भी हम इस फोन के अंदर बहुत ही अच्छे देखने को मिलेगा और प्रीमियम फीचर्स भी हम इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। तो जैसे कि यार Redmi Note 9 हमें बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि Redmi Note 9 सीरीज हमें इंडिया के अंदर मार्च के मिड तक देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि यार Redmi Note 9 का रिलीज डेट भी बहुत ही सामने आ चुका है, तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे Redmi Note 9 के स्पेक्स के बारे में, प्राइसिंग के बारे में और रिलीज डेट के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो डिस्प्ले में हमें बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड देखने को मिलेगा। 6.53 इंच के साथ आने वाला है, फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन और IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा। और जैसे कि यार डिस्प्ले में हमें सेंटर पंच होल देखने को मिलेगा, जो कि यार Redmi की तरफ से एकदम से लेटेस्ट होगा, जो कि इससे पहले हमें कोई भी Redmi का डिवाइस के अंदर नहीं मिला है सेंटर पंच होल, पर हमें Redmi Note 9 के अंदर देखने को मिलेगा। और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी हमें इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो परफॉर्मेंस में भी बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड हमें देखने को मिलेगा। स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन के तरफ से लेटेस्ट चिपसेट है, बहुत ही पावरफुल चिपसेट है और मिड रेंज के प्राइसिंग में बहुत ही अच्छा चिपसेट है और गेमिंग बेस्ड चिपसेट होने वाला है। अगर आप लोग गेमिंग करते हो तो आप लोगों के लिए Redmi Note 9 बहुत ही बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है। चिपसेट 2.21 GHz पे क्लॉक है, अच्छा खासा क्लॉक स्पीड हमें इस चिपसेट के अंदर देखने को मिल रहा है। रैम के बारे में बात करते हैं तो 4GB 64GB 6GB 64GB और 6GB 128GB, और ये फ़ोन Android 10 के साथ आने वाला है, जहाँ पे MIUI 12 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। कैमरा ऑप्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो कैमरा में भी बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड देखने को मिलेगा। क्वाड कैमरा हमें इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा होने वाला है 64 मेगापिक्सल का प्लस 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस प्लस 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस प्लस 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। बात करते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरे के बारे में तो 25 या फिर 32 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। बैटरी और चार्जिंग के बारे में तो बैटरी में भी बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड देखने को मिलेगा। 5000 mAh का बैटरी हमें इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। तो जैसे कि यार इस फ़ोन के अंदर हमें बहुत ही अच्छा बैटरी देखने को मिल रहा है और बैटरी बैकअप भी हमें इस फ़ोन के अंदर बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, प्लस 30W का एक फास्ट चार्जर भी हमें इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि स्मार्टफोन के बॉक्स में ही मिलने वाला है। आपको इस चार्जर को बाहर से परचेस करना नहीं पड़ेगा, बॉक्स में ही देखने को मिलेगा। प्लस टाइप सी पोर्ट और 3.5mm का ऑडियो जैक भी हमें इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो Redmi Note 9 का प्राइसिंग होने वाला है इंडिया के अंदर 12 से 14 हज़ार रुपये के रेंज में। तो जैसे कि यार इस फ़ोन का प्राइसिंग हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है मिड रेंज के प्राइसिंग में ना, Redmi Note 9 बहुत ही बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है। बहुत ही कम प्राइसिंग में यार बहुत ही अच्छा स्पेक्स हमें इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल रहा है 12 से 14 हज़ार रुपये के रेंज में। स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन के तरफ से लेटेस्ट चिपसेट है। 2.21 GHz पे क्लॉक है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, वो भी हमें 12 से 14 हज़ार रुपये के रेंज में देखने को मिल रहा है, वो भी Redmi Note 9 के अंदर। तो यार बहुत ही बेस्ट ऑफर हमें Redmi Note 9 के अंदर देखने को मिल रहा है। रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो Redmi Note 9 का रिलीज डेट होने वाला है इंडिया के अंदर मार्च के मिड तक। तो जैसे कि यार इस फ़ोन का रिलीज डेट भी बहुत ही सामने आ चुका है, अगर आप लोग Redmi Note 9 के लिए वेट कर रहे हैं तो Redmi Note 9 हमें इंडिया के अंदर बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, वो भी बहुत ही अच्छे स्पेक्स के साथ। यार इस फ़ोन का ना स्पेक्स भी ऑलमोस्ट 100% कन्फर्म है, इतना स्पेक्स हमें Redmi Note 9 के अंदर देखने को मिलेगा और प्राइसिंग भी कन्फर्म है कि 12 से 14 हज़ार रुपये के रेंज में ही होने वाला है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।